हेलो स्टूडेंट, आई एम एन कमल सिंह इन मोती चिल्ड्रन स्कूल गुना। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। डियर स्टूडेंट, ये हमारा 10th हिंदी विशिष्ट का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आज हम भक्ति धारा के स्तुति खंड पाठ का अध्ययन करेंगे और समझेंगे। इसके साथ ही हम गद्यांश पद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या समझेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, चलिए फिर अब हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है स्तुति खंड, ठीक है। सावरो आदि एक कर्तारु, जेह जीव दीन कीन संसारु, कीनेशु प्रथम ज्योति परगासु, कीनेशु तेही प्रीति कवितासु, कीनेशु अग्नि पवन जल केहा, कीनेशु बहुतै रंग उरेहा, कीनेसी धरती सरंग पतारु, कीनेसी बरन बरन अवतारु, कीनेसी सात दीप ब्रह्मांडा, कीनेसी भुवन चौदह खंडा, कीनेसी दिन दिन अर ससी राती, कीने सी नखत तराइन पाती, कीने सी धूप शिव और चाहा, कीने सी मेघ बिजु तेहमाहा, कीने सी सबई अस जाकर देश रही, छाज ना काहू पहिलोही तेहिक नाव लई, कथा कहो औ गाहू। तो प्रस्तुत पद मालिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के स्तुति खंड से लिया गया है, ठीक है। इसके रचनाकार मालिक मोहम्मद जायसी जी हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसंग में हम क्या लिखेंगे, इन पंक्तियों के माध्यम से या फिर इस पद में कवि ने अपने ग्रंथ की रचना करते समय सृष्टि के निर्माता ईश्वरन का स्मरण करते हुए उसके गुणों का वर्णन किया है। कैसे किया है, कवि कहता है कि प्रारंभ में मैं उस ईश्वर को याद करता हूँ। प्रारंभ में यानी कि सबसे पहले मैं उस ईश्वर को याद करता हूँ जिसने हमें जीवन दिया और संसार की इस समस्त सृष्टि या संसार की रचना की। उसने मोहम्मद के नूर का प्रकाश किया और कैलाश पर्वत की रचना की। उसने अग्नि वायु जल और मिट्टी का निर्माण कर उनमें रंग भरे। उसने धरती आकाश पाताल सात दीप ब्रह्मांड और 14 भुवनों की रचना की। उसने दिन बनाए, दिवाकर यानी कि सूर्य बनाया, चंद्रमा और विभिन्न प्रकार के नक्षत्रों और तारागणों की रचना की। उसने धूप बनाई तो छाया भी बनाई, उसने शीत बनाई तो गर्मी भी बनाई, और बिजलीमय मेघों की रचना की। उसने रचना के समान अन्य कोई रचना नहीं की, ठीक है। उसकी रचना के समान अन्य कोई रचना नहीं है, अतः सर्वप्रथम उसी कर्ता का नाम लेकर अपनी विस्तृत कथा को लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जायसी जी का कहना है। चलिए नेक्स्ट है, कीनेसु हेव समुद्र अपारा, कीनेसु हेव समुद्र अपारा, कीनेसी मेरु किंकिद पहारा, कीनेसी नदी नार ओझारा, कीनेसी मगरमच्छ बहुबरना, कीनेसी सीप मोती बहुभरे, कीनेसी बहुतई नग निर्मरे, कीनेसी वनखंड ओ जरी मूरी, कीनेसी तरवर तार खजूरी, कीनेसी साउज आरन रहही, कीनेसी पंकी उड़ जह चही, कीनेसी साउज आरन रहही, कीनेसी पंख उड़ जह चही, कीनेसी बरन खेत ओ श्यामा, कीनेसी भूख नींद विश्रामा, कीनेसी पान फूल बहु भोगु, कीनेसी बहु औषध बहु रोगु, निमिक न लाग कर ओही, सबय कीन पल एक,
गगन अंतरिक राखा बाज खम्ब बिनु टेक। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कविवर जायसी कहते हैं कि उसी परमात्मा ने बर्फ़ बनाई, ठीक है, और बर्फ़ को पिघलाकर नदियों का निर्माण किया तथा अपार समुद्रों की रचना की है। उसी ने नदियों, नालों एवं झरनों की रचना की है, ठीक है। उसी ने सीप बनाए और उनमें विभिन्न प्रकार के मोतियों को डाला तथा उसी में शुद्ध नगों का निर्माण किया, ठीक है। उसी ने वन बनाए, वनों के खंड किए और जड़ों तथा मूलों का निर्माण किया। उसी ने ताड़ या फिर खजूर आदि वृक्षों का निर्माण किया। उसी ने जंगली जानवरों का निर्माण किया है जो जंगल में रहते हैं। उसी ने पक्षियों का निर्माण किया जो जहाँ चाहते हैं वहाँ उड़ जाते हैं। उसी ने श्वेत और श्याम रंगों का निर्माण किया है, ठीक है। इन सब की रचना करने में उसे एक पल भी नहीं लगा, ठीक है, और उसने यह सब कुछ पलक झपकते ही कर दिया। तो पुनः उसी ने आकाश को भी बिना किसी खंभे और टेक के अंतरिक्ष में रख दिया। नेक्स्ट पंक्तियां हैं हमारी, कीनेसु मानस दिहस बढ़ाई, कीनेसु अन्न भुगुति तेह पाही, कीनेसु राजा बुजही राजू, कीनेसु हस्ति घोर तिन साजू, कीनेसु तिन कह बहुत बेरासु, कीनेसी कोई ठाकुर कोई दासु, कीनेसी दरब गरब जेह जोहोई, सॉरी, कीनेसी लोभ अघाई ना कोई, कीनेसी जियन सदा अब चाहा, कीनेसी मीच ना कोई रहा, कीनेसी सुख ओ कोहु आनंदु, कीनेसी दुख चिंता ओ दंदु, कीनेसी सुख ओ कोहु आनंदु, कीनेसी दुख चिंता ओ दंदु, कीनेसी कोई भिखारी कोई धनी, कीनेसी संपत्ति विपत्ति पुनी घने, कीनेसी कोई निभरोसी, कीनेसी कोई बरियार, छार हुते सब कीनेसी, उन कीनेसी सब छार। तो इन पंक्तियों के माध्यम से या फिर इस पद्यांश स्तुति खंड के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि प्रस्तुत पद में संसार के प्रत्येक वस्तु में समन्वय एवं सामंजस्य एडजस्टमेंट का उल्लेख किया है। कवि जायसी कहते हैं कि उस ईश्वर ने मनुष्य को पैदा किया, ठीक है, उसे बड़प्पन दिया, उसने अन्न बनाया जिससे भोजन मिला, उसी ने अन्न बनाया जिससे हमें भोजन मिला, उसने राजाओं को बनाया जो भोग करते हैं अर्थात खूब ऐस आराम के साथ रहते हैं, और इन राजाओं की शोभा बढ़ाने के लिए हाथी और घोड़े उत्पन्न किए, उसने इन राजाओं के लिए अनेक प्रकार के विलासितापूर्ण या विलासिता युक्त या विलास की सामग्रियां बनाई, उसने किसी को स्वामी बनाया तो किसी को दास बनाया, उसने धन की सृष्टि की जिसे पाकर अहंकार या फिर गर्व उत्पन्न होता है, उसने लोभ की रचना कर दी जिसके कारण कोई व्यक्ति कभी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होता है, ठीक है, उसने जीवन अर्थात प्राणों की भी रचना की जिसे हम सब हमेशा चाहते हैं, उसने मृत्यु की भी रचना की जिससे संसार का कोई भी प्राणी नहीं बच पाता है और ना ही बचेगा, उसने सुख और करोड़ों प्रकार के आनंदों की रचना की, साथ ही दुख भी बनाए, इसके बाद चिंता तथा झगड़ों को उत्पन्न किया, उसने किसी को भिखारी बना दिया और किसी को धनवान या फिर राजा बना दिया, उसने पहले संपत्ति रची और फिर अनेक प्रकार की विपत्तियों की रचना कर दी, उसने किसी को असहाय बना दिया अर्थात निर्बल और किसी को सबल अर्थात बलवान बना दिया, उसने इन सब की रचना मिट्टी से ही की है और फिर सबको मिट्टी ही बना दिया है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट,
हमारी आज की क्लास यही समाप्त होती है। उम्मीद है आपने इस पार्ट को अच्छी तरह से समझा होगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।